फ्लिपकार्ट वाला आया था, अभी लिया मैंने, ओपन किया, वापस से रिटर्न कर दिया मैंने। थोड़ी सी धूप पड़ रही है बहुत ज्यादा, तो हमने सोचा कि पी ली जाए, ऐसे पीते हैं गाइस। और हमने जो लिया है वो है हमारा एक स्लीपिंग बैग। तो ये रहा, मम्मी ओपन कर रही है स्लीपिंग बैग को। स्लीपिंग बैग खरीदना है हमें, तो स्लीपिंग बैग लेंगे और हेट लेंगे, सन हेट ले लेंगे। और ये है द नॉर्थ फेस कंपनी का, ये देख सकते हो, इस पे लोगो भी लगा हुआ है। और इसका जो ये मटेरियल है इसको हम अलग कर सकते हैं। मैंने ये सामान मंगाया था और इसके अंदर ऊपर की साइड में एक क्लिप और लगती और उसके ऊपर एक क्लिप और। दो हफ्ते पहले मैंने ब्लॉग शूट किया था, दो हफ्ते हो गए मुझे ब्लॉग मैंने अभी तक शूट नहीं किया। तो लगभग -20 डिग्री, तो लगभग लगभग -10 डिग्री तक तो चल ही जाएगा। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड गाइस। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। और काफी दिनों बाद में ब्लॉग आ रहा, मतलब कि लगभग दो हफ्ते पहले मैंने ब्लॉग शूट किया था और आज दो हफ्ते हो गए मुझे ब्लॉग मैंने अभी तक शूट नहीं किया। वो एक्चुअली क्या है, कुछ ऐसा था, मतलब टाइम तो था थोड़ा सा, बट है ना किसी चक्कर में बिजी था, कोई ना कोई सामान खरीद रहा था। क्योंकि हमने एक, मतलब कि आपको बताया था ना मैंने कि आपको एक बहुत बड़ी और अच्छी गुड न्यूज़ देने वाले हैं, तो उस चीज़ के लिए मतलब सामान खरीद रहे थे। अब देखो आज ही मैंने एक सामान मंगवाया फ्लिपकार्ट वालों से, ये दिखाना भाई, ये देखो आप, मैंने भाई फ्लिपकार्ट ओपन करना, इसे खोलो, मतलब जो मैंने मंगवाया था, मतलब कि जो चीज़ें मंगवाई थी ना वो चीज़ें तो मिलती नहीं है, और मतलब कम सामान आया, दो चीज़ें कम आई हैं इसमें। ये देखो आप, मैंने ये सामान मंगाया था और इसके अंदर ऊपर की साइड में एक क्लिप और लगती और उसके ऊपर एक क्लिप और। तो जिस किसी को पता होगा वो तो समझ जाएगा। देखो भाई फ्लिपकार्ट दिखाना, तो ये देखो आप, ये है वो शीट, ये चीज़ें तो आ गई है। और ये वाली जो है ना, ये क्लिप और ये क्लिप, मतलब कि ये दो क्लिप आई नहीं है इसमें, और ये सिर्फ ये बोल्ट्स आए हैं इसके अंदर। गाइस पता नहीं है मतलब ये फ्लिपकार्ट वाले क्या कर रहे हैं। तो अभी से है ना वापस रिटर्न करने वाले हैं। और अभी मैंने सिर्फ इसे 5 मिनट पहले बाय किया था, फ्लिपकार्ट वाला आया था, अभी लिया मैंने, ओपन किया, वापस से रिटर्न कर दिया मैंने। क्योंकि अब जो सामान चाहिए था हमें, मैंने है ना ये चीज़ तो देख ली थी, बट है ना ये साइकिल के अंदर बैठ नहीं रहता, हैंडल यू रहेगा और इसके ऊपर माउंट लग जाएगा, तो फिर है ना मोबाइल का एंगल इस साइड रहेगा, जबकि हमें इस साइड वाला चाहिए, तो ऊपर क्लिप लगती तो हो जाता, बट क्या करें, कुछ नहीं होगा। लेकिन गाइस कुछ नहीं, अब आज ना हम जाने वाले हैं मार्केट, और मार्केट से होती कोशिश तो देखते हैं कि स्लीपिंग बैग खरीदना है हमें, तो स्लीपिंग बैग लेंगे और हेट लेंगे, सन हेट ले लेंगे, और देखते हैं वगैरह वगैरह, और कुछ सामान समझ में आता है तो वो भी खरीद लेंगे। तो हम ना नसराबाद चलने वाले हैं, वहाँ पर ही मिल सकता है सामान, क्योंकि अजमेर वाले डिकैथलॉन पे मैं जाकर आया था ना, तो वहाँ पर जो मुझे चीज़ें चाहिए थी ना, टू पर्सन टेंट चाहिए था तो वो मिला नहीं, वहाँ पर 3 पर्सन वाला था तो वो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। वहाँ मैंने फिर स्लीपिंग बैग चेक किया था, स्लीपिंग बैग नहीं मिला, तो स्लीपिंग बैग अभी कल मैं पूछ कर आया था तो वहाँ पर मिल जाएगा। अब देखते हैं कि जो हमारे हिसाब का मिलना चाहिए, जो हमें चाहिए वैसा, वरना 10 डिग्रीज वाला तो वहाँ पर भी था, बट हमें थोड़ा सा लो में चाहिए, मतलब कि माइनस तक में चाहिए, तो देखते हैं। आई होप कि वहाँ पर मिल जाए तो सबसे बढ़िया काम हो जाएगा, वरना तो फिर समझ नहीं आती क्या करेंगे, फिर देखते हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ, और मिला था आपको डायरेक्टली शॉप पर। तो फाइनली गाइस हम, मतलब कि क्या बोले उसे, स्लीपिंग बैग लेके आ चुके हैं, और हम मतलब शॉप वाले भैया ने ना वीडियो शूट करने से मना कर दिया था साफ साफ, तो वो रहा हमारा स्लीपिंग बैग। तो फिर हमारा कहीं रुकना भी नहीं हुआ था, तो फिर इसलिए मैंने शूट नहीं किया। और फिर हमने एक ये हैट, सन हैट भी खरीदी, और एक ये रुमाल ख़रीदा, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं लगाता तो न्यू, फिर भी बहुत पसंद है। और स्लीपिंग बैग गए, स्लीपिंग बैग की प्राइस थी हमारे लिए 1200 रुपये, क्योंकि वो हमारे जान पहचान का था, मतलब जान पहचान का क्या, उन्होंने पहले ही प्राइस बता दी थी कि 1200 तक का आ जाएगा, पर जबकि इसकी 1350 रुपये MRP है। और ये जो कि हमें 100 रुपये की मिली है, एकदम प्राइस बिल्कुल रिजनेबल रेट, और नसीराबाद के अंदर यहाँ शॉप और किसी भी शॉप पर वो सारी ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। अभी मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, सब कुछ रिव्यू कराऊंगा कि कैसा क्या है। तो मिलते हैं गाइस आगे। थोड़ी सी धूप पड़ रही है बहुत ज़्यादा, तो हमने सोचा कि हमें थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पी ली जाए, पैसे पीते हैं गाइस। तो मिलते हैं घर पे, और मैं दिखाता हूँ आपको हमारा क्या स्लीपिंग बैग। तो मिलते हैं गाइस। सो फाइनली गाइस मैं पहुँच चुका हूँ घर पर, और ये जो कैप है, ये वाली कैप हमने बाय की है, और
ये वैसे देख सकते हो आप, वैसे बहुत अच्छी है और इसे है ना हम दोनों साइड से पहन सकते हैं। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। और हमने जो लिया है वो है हमारा एक स्लीपिंग बैग। तो ये रहा, मम्मी ओपन कर रही है स्लीपिंग बैग को। तो ये रहा हमारा स्लीपिंग बैग, दोनों लाइट्स ऑन कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हो इसके अंदर एक, इसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एक मतलब गर्म के लिए एक ये ऐसा कपड़ा आया है जो कि काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर आप इसमें आप खोल सकते हैं। और यहाँ पर एक चेन है जो कि पूरी ओपन हो सकती है। और मेन चीज़ तो इसका जो ये मटेरियल है इसको हम अलग कर सकते हैं। और ये है जो मतलब कि वॉश करने के लिए अलग कर सकते हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पर इसके लिए एक चेन दे रखी है और ये एक अलग है। तो बाकी इसे गर्मी में और सर्दी में दोनों में यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो टेम्परेचर है वो लगभग ये है, ये देख सकते हो आप -20 डिग्री, बट लगभग -20 डिग्री, तो लगभग -10 डिग्री तक तो चल ही जाएगा ये। और उसके बाद हमने लिया है एक ये रुमाल भी लिया है। वैसे ये रुमाल मुझे काफ़ी पसंद है इसलिए मैंने लिया है, आप देख सकते हो ऐसा, क्योंकि 150 का है। बाकी सबसे पहले बात तो हमारी ये वाली है कि ये काफ़ी अच्छा फैब्रिक है और मटेरियल इसका काफ़ी अच्छा लगा। इसके अंदर एक क्या बोलते हैं शायद फोम बोलते हैं, या मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुका हूँ। इसके अंदर जो मटेरियल है ना वो वास्तव में काफ़ी अच्छा है। और इसके ऊपर जो हमें एक केप मिल चुकी है और इससे भी महंगा था। और ये है द नॉर्थ फेस कंपनी का, यह देख सकते हो इस पर लोगो भी लगा हुआ है और इसके बैक पर भी लोगो लगा हुआ है। तो वैसे मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। वो इसके ऊपर आपको एक जेब मिलेगा, तो ये हम देखते हैं एक ये एक छोटा सा जेब है जिसके अंदर हम कुछ पैसे वगैरह या कुछ जो भी सामान रख सकते हैं। तो और इससे महंगा जो था उसके अंदर वो था लगभग 1800 रुपये तक का। उसके अंदर हमें सिर्फ एक चीज़ मिली थी, ये सेम टू सेम ये था, बस उसके अंदर एक चीज़ कॉमन थी कि ये जो आया है मतलब इसे हटा के ये जो है वो एक और मिला है इसके अंदर हमें, वो लगभग 1800 तक का था। और वो हमने लिया नहीं, वो लगभग -30 डिग्री तक के लिए काम में था। लेकिन गाइस हमें ना 30 डिग्री तक का तो कोई काम ही नहीं रहेगा, लगभग हमें काम रहेगा -10 डिग्रीज तक। तो ये 30 डिग्रीज तक का है लेकिन 10 डिग्रीज तक में काम हो जाएगा हमारा आराम से। तो आप देख सकते हो अगर जिस किसी को भी बाय करना है तो गाइस अजमेर से जो भी हो तो गाइस बाय करने के लिए मैं बता देता हूँ, नसीराबाद के अंदर हमें काफ़ी सारी शॉप मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाके इस सब चीज़ों को बाय कर सकते हो। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको, ग्लव्स वगैरह, ये कैप्स, ये आप देख सकते हो ये हैट मैंने लिए है 100 रुपये की है सिर्फ और सिर्फ, और सन हैट है जिसे हम दोनों साइडों से पहन सकते हैं। तो मुझे ये वाली अच्छी लगी तो मैं लेके आ गया, ये आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी है। तो गाइस अगर आप जिस किसी को भी ये सारी चीज़ें अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं गाइस, और एक दो चीज़ें हमारी और आने वाली है ट्यूरिंग के लिए, तो मैं आपको उनकी भी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में इसी तरीके से।